हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की। तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को आपने कैसे डॉक्यूमेंट किया, मीन्स उसको किस ढंग से आपने लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, प्रोग्रामिंग का मतलब जो आप कहते हैं कि प्रोग्रामिंग मतलब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया प्रोग्राम, वो तो एक्चुअल में एक तरह से दैट इज टेक्निकली दैट इज ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कोडिंग। प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना वो तो होता है कोडिंग। अब सीधा कोडिंग तो स्टार्ट नहीं हुआ। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने का प्रोग्राम बनाइए, तो किसी स्टूडेंट की मार्कशीट बनाने का प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने आपसे कहा और आपने सीधा जो है स्टार्ट कर दिया उसकी कोडिंग करना। पहले आप उसको प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें ही कहलाती हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन सिंपली, डॉक्यूमेंटेशन में कई प्रोसेस आते हैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन में कई काम होते हैं या कई प्रोसेस आते हैं। जैसे पहला आप ले लीजिए कि कलेक्टिंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, या हमने कहा कलेक्टिंग हो गया। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डाटा आपने कलेक्ट किया फिर उसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और उसके बाद मेंटेनिंग। ठीक है, ये सारी चीज, यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनिंग ऑन पेपर ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ व्हाई प्रोग्राम्स वर डेवलप्ड, व्हाट फंक्शंस दे परफॉर्म एंड हाउ दीज फंक्शंस आर कैरीड आउट। क्लियर, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको मेंटेन करना, किस पे, ऑन ए पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में एक पेपर पे। ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं कि प्रोग्राम को, व्हाई प्रोग्राम वाज डेवलप्ड। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाई प्रोग्राम वाज डेवलप्ड, प्रोग्राम को क्यों बनाया गया। ठीक, हमने कहा कि भाई दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला चीज। सेकंड ये है कि व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है, मतलब प्रोग्राम क्या काम करेगा, ठीक है, यानी उसकी फंक्शनिंग, फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। और थर्ड जो है इसका, थर्ड है कि हाउ दिस फंक्शन, कैसे ये काम हुआ, हाउ दिस फंक्शन, फंक्शंस आर कैरीड आउट, ये प्रोग्राम, ये फंक्शन कैसे काम, कैसे हो रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए, जैसे हमने मार्कशीट वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, तो उससे आप समझ लीजिए कि वाई का क्वेश्चन तो मिल गया कि भाई हमें स्टूडेंट्स की, मान लीजिए 1000 स्टूडेंट है, हमें उनकी मार्कशीट तैयार करनी, तो वाई प्रोग्राम वॉज डेवलप टू गेट ए मार्कशीट ऑफ 1000 स्टूडेंट ईच। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की मार्कशीट बनानी है। फंक्शन ऑफ ए प्रोग्राम, तो मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम क्या करेगा, तो प्रोग्राम क्या करेगा भाई, आप, आपको मार्कशीट बनानी है तो आपको रॉ डाटा में क्या मिलेगा। सपोज कीजिए 5 सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स के, तो आपको ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स मिल जाएंगे स्टूडेंट वाइज। ठीक है, उसको आप प्रोसेस करेंगे, इकट्ठा करेंगे, सम करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, फिर देखेंगे परसेंटेज 60 के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, 45 से या 50 से 60 के बीच में सेकेंड, एंड सो ऑन। तो ये सारी फंक्शनिंग, मतलब प्रोग्राम क्या काम कर रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। और तीसरा, कैसे कर रहा है, जो भी आपने मेथड यूज़ किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारे स्टेप जो है, जब आप एक कागज़ पे लिख देते हैं या एक कागज़ पे लिखने की प्रक्रिया को ही डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। दिस इज एन ऑफिशियल टर्म। और डॉक्यूमेंटेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं कि साहब वो प्रोग्रामिंग में, डॉक्यूमेंटेशन तो आप किसी चीज़ का भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम आपसे कहें कि भाई
आप अपने दिन भर के जो आपका डेली रूटीन है, मॉर्निंग में आप सो के उठे लेकर और शाम रात में बेड में जाने तक, दिन भर की जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका डेली रूटीन है या किसी पर्टिकुलर दिन का जो रूटीन है, उसको आप डिस्क्राइब करते हुए ब्लैक एंड व्हाइट ऑन ए पेपर लिख दीजिए। तो दैट इज ऑल टू ऑल्सो अ डॉक्यूमेंटेशन। आप कहीं ट्रेवल पे गए, आप कहीं विजिट पे गए, आउट स्टेशन गए, ठीक है, हमने कहा भाई अपनी जो ट्रेवल हिस्ट्री है या अपनी जो टूर रिपोर्ट है वो आप ब्लैक एंड व्हाइट में करके दीजिए, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन हम प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में हम लोग बात करेंगे तो उसका मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब आप आ जाइए कि प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट बट ऑफन निग्लेक्टेड एक्टिविटी ऑफ प्रोग्रामर। यस, ये जनरली क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर प्रोग्रामर, ठीक है, मैक्सिमम प्रोग्रामर्स इसको निग्लेक्ट करते हैं। उन्हें प्रोग्रामिंग आती है, वो सीधा प्रोग्राम पे शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेशन करें, पिछला जो उन्होंने काम किया है उसको डॉक्यूमेंट करके रखेंगे, तो आगे का काम करने में कभी कभी रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ जाती है। हर चीज़ आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं। अब आज से 15 साल पहले आप अगर आपने कोई बढ़िया प्रोग्राम डेवलप किया था, कोई पैकेज डेवलप किया था, और आज आपके पास फिर उसी तरह का सिमिलर ऑर्डर आ रहा है, लेकिन उसमें आप कहीं दिक्कत हो रही, कहीं फंस रहे हैं, और आपको ये याद आ रहा है कि हाँ वो आज से 15 साल पहले भी यही प्रॉब्लम आई थी, लेकिन तब मैंने उसको ऐसे सॉल्व कर दिया था, कैसे सॉल्व किया था ये नहीं याद आ रहा आपको। तो अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन करके रखा होता उस प्रोसेस का, तो आप उसको रिफर कर लेते, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिल जाता। तो ये फायदा है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक। अब बाकी अगर स्टेप वाइज सिस्टमेटिक बात करें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से स्टेप आते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम अब वन बाय वन, जैसे डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स, आप ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड्स क्या क्या। पहला, ए डेफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है ना, डेफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसे जिसको हम लिखते हैं तो बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वाज द सॉफ्टवेयर प्रिपेयर्ड, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स, हु रिक्वेस्टेड इट एंड हु अप्रूव्ड इट। ये सारी चीज़ें आप डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम में लिखते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हैं, आप बनाए हैं आप, ये क्यों बना, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको बनाने के लिए किसने रिक्वेस्ट की और किसने इसको अप्रूव किया बनाने के लिए, ये चीज़ें लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम में। सेकेंड स्टेप आप आ जाइए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम, मतलब क्या हुआ कि द सिस्टम और सब सिस्टम एनवायरनमेंट इन विच द प्रोग्राम फंक्शन शुड बी डिस्क्राइब्ड, ब्रॉड सिस्टम स्पेसिफिकेशन आउटलाइनिंग द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, द फॉर्म एंड टाइप ऑफ इनपुट डाटा टू बी यूज एंड द फॉर्म एंड टाइप ऑफ आउटपुट रिक्वायर शुड बी क्लियरली स्टेटेड। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम मतलब कि जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करने जा रहे हैं उसको पूरा एक सिस्टम मान के उसकी सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब करेंगे कि किस सिस्टम में या किस एनवायरनमेंट में आप इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, मतलब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके क्या एडवांटेज क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या फॉर्म्स मतलब फॉर्मेट्स हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, इनपुट डाटा हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे, और एंड टाइप ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड, किस तरह का हमको आउटपुट चाहिए, ठीक। तो पूरा मतलब एक जिसे कहते हैं आउटलाइन बनाना, एक लेआउट बनाना अपने सिस्टम का कि ये चाहिए और इस तरह हम इस एनवायरनमेंट में काम करेंगे। अब आ जाइए आप थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम। अब देखिए प्रोग्राम में आ गया, ये ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है।
अब इसमें हम क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, लिस्टिंग, टेस्ट डाटा, टेस्ट रिजल्ट, ये चार चीज़ें। अब यहाँ चीज़ें हो गई टेक्निकल। जब आप प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो आप उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, फ्लो चार्ट कि कैसे हमारा प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगा, कैसे डेवलप हुआ, ठीक। उसके अलावा आप लिस्टिंग, ठीक, जो भी आपको उसके अंदर डेटा यूज़ हुआ है। उसके बाद टेस्ट डेटा, क्योंकि जब भी कोई आप प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एकदम से उसको आप कस्टमर को नहीं दे देते या मार्केट में नहीं डाल देते हैं, पहले आप टेस्ट डाटा इस्तेमाल करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसके जो बग वगैरह आते हैं रन टाइम में या कोई वो दूर करते हैं डिबगिंग से, तब जाके आप उसको रियल मार्केट में भेजते हैं, ठीक। और टेस्ट डाटा उसके साथ ही साथ टेस्ट रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम में लिखते हैं, ठीक है, लिख के रखते हैं, क्लियर। और इसमें कुछ चीज़ें आप और भी लिख सकते हैं, इन चीज़ों के अलावा क्या डिफ़िकल्टीज आई डेवलप करने के दौरान और उन डिफ़िकल्टीज़ की क्या रेमेडी हमने निकाला, यही चीज़ काम आती है आगे फ्यूचर में कि इस प्रोग्राम के इस स्टेज पे ये प्रॉब्लम आई, ये एरर आ रही थी, ये बग आ रहे थे, उसको हमने इस तरह निकाला। तो ये सब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस ही ये है कि फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो डॉक्यूमेंट आपका रखा रहेगा आगे कभी, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप टेक्स्ट बुक के अलावा रेफरेंस बुक भी रखते हैं अपने पास ना, वही यूज़ होता है डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए फोर्थ पॉइंट, ए रेसिटेशन ऑफ ऑपरेटर इंस्ट्रक्शन, ए रेसिटेशन ऑफ ऑपरेटर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है कि अमॉन्ग द आइटम्स कवर्ड शुड बी कंप्यूटर लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसीजर्स, स्टार्टिंग, रनिंग एंड टर्मिनेटिंग प्रोसीजर। तो देखिए इसमें सारी चीज़ें लिख देते हैं कि अमॉन्ग दिस द आइटम्स कवर्ड शुड बी कंप्यूटर लोडिंग, कंप्यूटर कैसे लोड होगा, कैसे अनलोड होगा, उसका प्रोसीजर, स्टार्टिंग का, रनिंग का और टर्मिनेटिंग प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजर भी लिख के रखे जाते हैं, ठीक। अब लास्ट पॉइंट आ जाइए आप फिफ्थ में, फिफ्थ में क्या रहता है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स, मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल्स में भी इनकॉर्पोरेटेड इन ए प्रोग्राम इन ए नंबर ऑफ वेज, ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम में जो कंट्रोल आपने डाले हुए हैं, जैसे जैसे ये मान लीजिए कि प्रोग्राम कंट्रोल्स में भी यूज टू चेक ऑन द रीजनेबलनेस एंड प्रोप्रियरिटी ऑफ इनपुट डाटा, ठीक है, प्रोप्रियरिटी ऑफ इनपुट डाटा, मतलब जो इनपुट डाटा आप इसमें यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में, उसका मतलब उसका मालिक कौन है या उसका स्वामित्व किसके पास है या उसका ओनर कौन है, सेकेंड चीज उसकी रीजनेबलनेस, मतलब कितना रीजनेबल है वो, ये आप कंट्रोल उसमें डाल सकते हैं। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सच कंट्रोल शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में आप ये कंट्रोल भी डाल सकते हैं कि भाई जो इनपुट डाटा है वो हमको यहाँ 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 से ही लेना है बस, ठीक है। तो इस तरह के कंट्रोल भी, तो ये सारी चीज़ें देखिए प्रोग्रामिंग, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग पहले दिन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से लेकर और लास्ट स्टेप तक सारी चीज़ों को आप जब एक पेपर पे लिख के रखते हैं ऑन ए पेपर, दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, ये करके रखना चाहिए। हालांकि प्रोग्रामर नहीं रखते हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामर नहीं रखते हैं, लेकिन ये करके रखने से फ़ायदा ये होता है फ्यूचर रेफरेंस में कई साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद अगर आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन वाली जो रिपोर्ट है ये काम आएगी।
So this is a very good practice and that has to be followed. Clear? So I hope कि आपको documentation प्रक्रिया क्या है, documentation procedure क्या है programming में, ये clear हो गया होगा. अगर आपके concept clear हो रहा है तो please video को share कीजिए, like कीजिए, channel को subscribe कीजिए और notification bell को जरूर on कर दीजिए ताकि जब भी next video पड़ेगी आपको तुरंत आपके mobile से पता चल जाएगा कि न्यू वीडियो इज अवेलेबल. थैंक यू.